गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर गवर्नर सिंह ने दस्तखत कर दिए। कामरान टेसोरी ने आईन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाब शाह में मुसाफिर बस उलट गई, जिसकी वजह से दो अफराद चाबहक बचक के 15 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी तो नवाब शाह के खदर थाने की हदीद में हादसा पेश आ गया। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर अंदाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। भारत के यौम आजादी पर दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम सयाह मनाएंगे। भारत ने 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से कश्मीर पर गासिबाना कब्जा जमा रखा है, जिसके खिलाफ भारत के यौम आजादी को हर साल लाइन ऑफ कंट्रोल के दिनों इतराफ की कश्मीरी यौम सयाह तौर पर मनाते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और बुरहान वाली चौक से रैलियां निकाली जाएंगी। नैब टीम साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर पहुंच गई। आज उन्हें मुतलका अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्जाम है। नैब लाहौर की जानिब से केस में मुलव्वस लेकर मुल्जमान की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज नज़रबंदी ऑर्डर की मुद्दत मुकम्मल होने पर अडियाला जेल से रिहाई के बाद नैब रावलपिंडी ने हिरासत में लिया था। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग ज़ेनबिन ने 13 अगस्त को चीनी बाशिंदों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती और सी पैक को सबोताज करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मीडिया ब्रीफिंग में वांग ज़ेनबिन का कहना था कि 13 अगस्त को चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर दहशतगर्द हमला किया गया, जिसमें कोई चीनी शहरी हलाक या जख्मी नहीं हुआ था। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए काम जारी रखेगा।